और आगे वाला मंत्र तो बिल्कुल क्लियर है। और देखिए, एश एशाए मामहे, एश एशाए मामहे शतन निष्कान दशस्तराजा त्रीणी शतान्य वर्तान्य सहस्त्रादश गौनाम। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 3। पहला मंत्र तो वो था नराशंस नाम होगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तारीफ होगी, 60,090 दुश्मनों से बचाएंगे, ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र क्या था, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 बीवी होंगी, ये दूसरा मंत्र हो गया। तीसरा मंत्र देखिए, एश एशाए मामहे, यहां पर भी ए भैया बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो, शादी हो गई तुम्हारी, तब क्या कर रहे हो जाके, भाई बीच से उठने मत दीजिए आप लोग यार, यहाँ से ना उठें, पीछे से उठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको उठना हो यहाँ से अभी चला जाओ, हमें बड़ा डिस्टर्ब होता है, मैं भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ रहा था, मैं समझता हूँ कि टोकने के लिए उठ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि माइक पकड़ के छीन, एक दो बार ऐसा हो चुका है, उठा हम समझे पेशाब करने जा रहा हूँ, आया सीधा माइक, ये क्या बोल रहा है, कई जगह ऐसा हुआ, तो जो बीच से कोई उठता तो मैं डर जाता हूँ कि माइक तो छीनने नहीं आ रहा है, अब क्या करूँ, वही चीज़ बैठी हुई है दिमाग में, अब दिमाग में जल्दी कोई निकलता थोड़ी है, अब देख ले रहे हो वो एक कमीना जो है बदल गया, अब उसके दिमाग में वही भूसा घुसा हुआ था, हैं बार बार वो, आज उसका बयान क्या है मालूम है, मुझे मुसलमानों ने इस्लाम से निकाल दिया है, मरने के बाद हमें 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलेगी, जब हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया तो हमने ये धर्म कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि इस्लाम पर तो तुमने बहुत सवाल उठाए, अब वसीम रिज़वी मत कहिए, अब उसको कहिए जितेंद्र कुमार, क्या नाम उसका हो गया, जितेंद्र कुमार त्यागी, अब उससे पूछो कि अब हिंदू धर्म पर ज़रा उंगली उठाओ, 16,108 थी जितेंद्र त्यागी जी, क्या कहोगे, अब उठाओ, मोहम्मद साहब की 12 बीवी पर बड़ी उंगली उठाते थे, अब जो 16,108 रखा था उसकी ऊपर उठाओ उंगली, रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिया जाता है फिर भी रावण उनकी पत्नी सीता को लेके भाग गया, भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, अब उठाओ उंगली, अब तो जर्जीस तुम्हारी रात की नींद हराम कर देगा, अब उठाओ, अब उठाओ, कोई बात नहीं, चेंज हो गए हो गए, यहां किसी को परवाह नहीं है, अच्छा हुआ मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा हुआ कि तुम बदल गए, उधर चले गए, क्योंकि अभी तक मुझे इस्लाम का भी दिफा करना पड़ता था और यह कहना पड़ता था कि वो रास्ते से भटक गया है, लेकिन अब गैर मुस्लिम होकर एक हिंदू धर्म में आकर तुम इस्लाम पर कीचड़ उछालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आरएसएस बजरंग दल पहले ही से उछालते हैं, तुम भी तो उन्हीं के पालतू कुत्ते हो, तुम तो अपने आप उछालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, इस्लाम के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं, मैंने भी एक कमेंट किया था, सब कुछ बदल गया अपनी मशीन कैसे बदलोगे, वो भी तो बदलो, मोदी जी उसको चाहिए कि अमेरिका भेजकर उसका खतना खत्म करवाएं, क्योंकि इंडिया में तो कोई ऐसी सर्जरी है नहीं कि जिससे खतना खत्म हो जाए, वो बीच वाली मशीन से जिंदगी भर मुसलमान ही रहेगा, वो अलग बात है कि उसका कुछ भी हो कहीं भी चला जाए किसी भी, लेकिन मिडिल में जब वो कभी पेशाब करने जाएगा तो कहेगा कमबख्त यही चीज़ तो और कहीं बदल गई होती तो अच्छा होता, वो जिंदगी भर याद रखेगा अपनी मशीन को कि ये मशीन, वो तो अच्छा हुआ कि छिपी हुई रहती है, छिपी हुई, लेकिन वो अकेले में जब भी पेशाब करेगा तो वो अपनी मशीन को ज़रूर गाली ज़रूर देगा, कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है, सब कुछ तो बदल गया, तू भी बदल जा कमबख्त। हो सकता है उस धर्म में बड़े बड़े चमत्कारी बाबा मौजूद हैं, हो सकता है कि ये भी बदल दें, हम तो मशवरा देंगे रिज़वी साहब किसी हॉस्पिटल में जाके उस बीच वाली चीज़ को ख़त्म करा दीजिए और बीच वाले ही बन जाइए, वो सबसे अच्छा मशवरा है मेरा,
क्योंकि ये बीच वाली चीज तुम्हें जिंदगी भर जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, यही तुम्हें ललकारती रहेगी। जब पेशाब करेगा, पूजा करेगा, हवन करेगा, ओम भूर्भुवस्वः सब कुछ करेगा, लेकिन जब पेशाब करने जाएगा कहेगा कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है, यहीं से मैं मुसलमान नहीं, यहीं से मैं हिंदू नहीं हूँ, यहीं से मैं त्यागी नहीं हूँ, यहीं से मैं ये नहीं हूँ। ये चीज़ उसको ज़िंदगी भर लानत भेजती रहेगी, कहीं ना कहीं तो छाप अभी बाकी है। तो अब ज़िंदगी में जिसके दिमाग में जो घुसा होता है वही, तो यहाँ से बीच से मत उठिए। मेरे भी दिमाग में वही घुसा हुआ, हैदराबाद वगैरह में एक दो बार ऐसा हुआ, बीच में एक आदमी आया, मैं समझा कहीं जा रहा, उठा बंद कर अपना, उठाया चली कुर्सियां, माइक फेंके गए, ये हुआ, अंडे चले, टमाटर फेंके गए, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में। खैर अब तो अल्लाह का रहम व करम है। तो मेरे भाइयों, तीसरे इस मंत्र पे गौर कीजिए, एश एशाए एश लोगो, इसका तर्जमा भी वही हुआ, आए लोगो, एश आए ईश्वर देगा, एश हाय लोगो, एश आए ईश्वर देगा, मामह मामह को मामह, मामह का माना भी होता है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, मामह। इसका भी संस्कृत में हिंदी तर्जमा देखेंगे नालंद विशाल शब्द सागर में, तो मामह के आगे लिखा है प्रशंसक, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, प्रशंसित, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। एश यानी मोहम्मद, एश आए लोगो, एश आए ईश्वर देगा, मामह मामह को, नराशंस को, मोहम्मद को क्या देगा, शतन निष्कान, शत सौ, निष्कान सिक्के सोने के, शतन निष्कान क्या देगा, सौ सोने के सिक्के, दशस तराजा, दश दस इस तराजा हार, सौ सोने के सिक्के, दशस तराजा दस हार, त्रीणी शतान्य वर्तान, त्रीणी तीन शत सौ, शत सौ, त्रीणी तीन शत सौ, त्रीणी शत तीन सौ वर्तान, अरबी घोड़े। एक एक चीज का तर्जमा देखिए, कोई पंडित भी नहीं बताएगा, अल्लाह की कसम पोल खुल जाएगी उसकी। त्रीणी तीन शत सौ, तीन सौ वर्तान घोड़े, त्रीणी शतान्य वर्तान, तीन सौ अरबी घोड़े देगा, सहस्त्रा दश गौनामा, सहस्त्रा भी बताया था हजार, सहस्त्र हजार, दश दस दस हजार, सहस्त्र हजार, दस 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 हजार गौ गाय। अब पूरे मंत्र का तर्जमा देखिए, ईश्वर मामह ऋषि को, मोहम्मद को देगा सौ सोने के सिक्के, दस हार, तीन सौ अरबी घोड़े और दस हजार गायें। ये मंत्र किसी पर पूरा नहीं उतरता सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। सबसे पहले क्या है, सौ सोने के सिक्के, सोना बड़ा कीमती होता है। जब आपका बच्चा MBBS में एडमिशन लेना चाहे और थोड़े से अंक से फेल हो जाए और 50 लाख रुपया मांगा जा रहा हो कि दे दीजिए आपके बच्चे को MBBS में एडमिशन हो जाएगा, तो आप ऐसे मौके पर अपना सोना तक बेच देते हैं अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए। सौ सोने के सिक्के का मतलब सौ कीमती लोग, और इल्म एक ऐसी दौलत है जो सोने से भी ज्यादा कीमती। इल्म के हुसूल के लिए माँ अपने बच्चों का सोना तक, अपने अपने जेवर तक बेच देती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मतलब क्या है, अल्लाह मोहम्मद को ऐसे सौ आदमी देगा जो सोने के सिक्कों की तरह कीमती होंगे, यानी इल्म हासिल करने वाले होंगे। मोहम्मद
रसूलुल्लाह के उन 100 सहाबा की तरफ इशारा है जो मदीने के मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा बनाता और उस चबूतरे पर बैठकर वो इल्म हासिल किया करते थे। मेरे भाइयों, जिनको असहाबे सुफा के नाम से याद किया जाता है, जो इल्म दीन हासिल किया करते थे, जो पढ़ा करते थे, उनकी तादाद 110 11 12 116 के इर्द गिर्द थी। इसलिए अथर्ववेद के अंदर लगभग आया है कि ईश्वर मामा ऋषि को देगा लगभग 100 सोने के सिक्के। लगभग का मतलब ये होता है कि कुछ ज्यादा या कुछ कम। तो मेरे भाइयों, 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाबे सुफा 100 वो सहाबा मुराद हैं जो नबी अकरम से इल्म हासिल किया करते थे और उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए अपनी जमीन और जायदाद भी निछावर कर दी थी, अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया था, भाई ने भाई को छोड़ा था, भाई ने बहन को छोड़ा था, एक ने किसी सब ने रिश्तेदारों को छोड़ा, किसी ने जमीन छोड़ी, किसी ने जायदाद छोड़ी, लेकिन वो मुहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ने जरूर आया करते थे। ये तादाद उनकी इसी 100 के इर्द गिर्द घूमती है। शतन निष्कान अल्लाह मामा को देगा 100 सोने के सिक्के, दशस्तराजा 10 हार, हार औरतें गले में पहनती हैं। और आपने देखा होगा कि लॉकेट पर, हार पे जो इतना सा लॉकेट होता है नीचे जो, उस पर औरतें प्यार में नाम लिख लेती हैं और अपने पति के नाम का पहला अक्षर, जैसे किसी का नाम जमील है तो जे बना लिया, किसी का नाम करीम है तो के बना लिया, किसी का नाम आसिफ है तो ए बना लिया, और उसको पहने हुए गले में लटका लेती हैं, यानी मेरा पति मेरे दिल के करीब है। आजकल तो खुराफाती लड़कियां भी यही सब कर रही हैं, अपने आशिकों का नाम लटका लिया, और लड़के भी कर रहे हैं, लड़के कुछ ज़्यादा ही दीवाने हैं, वो अपनी माशूकाओं का नाम यहाँ लिखवाते हैं, खंजर चलवाते हैं, गुदवाते हैं, ऐसा लिखवाते हैं कि वो कभी ना मिटे, यहाँ लिखवा। ये जुनून और पागलपन है। शेख अब्दुल्ला इब्ने बास का फतवा अगर आप उठाएंगे तो आप पढ़ेंगे, जिन्होंने अपने जिस्म को गुदवाया है, गुदवाया अपने जिस्म पर लिखवाया है खंजर से, उससे जो मिटता नहीं है, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो उन्होंने फतवा दिया है कि ऐसे आदमी की नमाज जनाजा जायज़ नहीं है और ऐसे आदमी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाना चाहिए। इतना सख्त फतवा दिया है ऐसे शख्स के बारे में। हम सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर देते हैं, नाम गुदवा रहे हैं। तो हार चुके दिल के बहुत करीब होता है, तो अल्लाह मोहम्मद को 10 हार देगा, मतलब ऐसे 10 सहाबा देगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल के बहुत करीब होंगे, जो नबी को बहुत महबूब होंगे, बहुत प्यारे होंगे। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ऐसे 10 सहाबा नबी के पास थे या नहीं? हदीस की किताबों में इन 10 सहाबा को आशरे मुबशरा कहा जाता है, जो इतने चहीते थे, इतने प्यारे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि अल्लाह के रसूल ने इसी दुनिया में एक एक का नाम लेकर एक एक को जन्नती कहा था। आए अबू बकर तुम जन्नती, आए उमर तुम जन्नती, आए उस्मान तुम जन्नती, आए अली तुम जन्नती, आए सआद तुम जन्नती, आए सईद तुम जन्नती, आए अबू उबैदा तुम जन्नती, एक एक करके अल्लाह के रसूल ने उन 10 सहाबा का नाम इसी दुनिया में लेकर सबों को जन्नत में जाने की बशारत दी थी। उन्होंने इतना दिल खुश किया था कि अल्लाह के रसूल ने इसी दुनिया में उन 10 सहाबा को जन्नत में जाने की बशारत दे दी थी। मेरे भाइयों, ये दिल के बहुत करीब थे। हमारे हिंदू भाई इस मंत्र को देखें, हमारा इरादा नहीं था मंत्र पढ़ने का। मैंने तो शेख निजामुद्दीन साहब से भी कह दिया कि अब मंत्र नहीं पढ़ता हूँ, मैं छोड़ दिया हूँ। आपके इस स्कूल के, इस मदरसे के जिम्मेदार से भी मैंने कह दिया था कि आप छोड़िए, मंत्र अंतर मैं नहीं पढ़ता हूँ। उसकी वजह यह है कि मंत्र बंगाल में पढ़ता हूँ, केस यूपी में होता है मेरे ऊपर, और होने की वजह भी है क्योंकि इन मंत्रों को पढ़ने के बाद ये यूट्यूबर जो है ना, इनके जो चैनल चल रहे हैं, इनके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, इन लोगों की वजह से मेरे ऊपर केस होता है वहाँ पर। अभी हमने कृष्ण जी के बारे में बोला 16108 बीवी, अब जानते हो इसमें कोई ना कोई हरामी चैनल वाला इतना हरामी होगा, वो इसको कटिंग करके डालेगा कृष्ण कन्हैया की रंग रेलियां, इस तरीके से वो हेडिंग बना के डालेगा
और इस पर वो लोग बिगड़ के हमारे ऊपर केस कर देते हैं कि देखिए हमारे कृष्ण जी को ऐसा कौन आदमी अपने बुजुर्ग को और अपने जिसको भगवान का दर्जा देता है उसकी बुराई सुन लेगा। बताइए आप वसीम रिजवी की आप सुन पा रहे हैं? जब आपके अंदर ये कलेजा नहीं है तो दूसरे के अंदर भी ये कलेजा नहीं है कि वो अपने भगवान के बारे में इस तरीके का वो सोचे। और आप लोगों की वजह से ये केस हमारे ऊपर होते हैं, इस तरीके से कटिंग करके यूट्यूब पर डालते हैं। मेरा अगर बस चले ना तो इनको कभी घुसने ना दूं मैं, लेकिन जलसा कमेटी वालों के आगे मेरी भी नहीं चलती है। ये लोग इजाज़त देते चलाओ साहब आ जाओ यहाँ पर, यूपी के अंदर मजा ले किसी ने कोई डाल दे हमारे बारे में। सब जानते हैं कि जर्जी साहब, अरे हम जब सेफ रहेंगे तो आपके चैनल भी चलेंगे, जब हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो आपके चैनल क्या चलेंगे। इस तरीके से कटिंग कर करके डालते हैं। अब देखिएगा क्या करके डालेंगे। अब हो सकता ना डालें क्योंकि मैंने कह दिया, अगर ना कहा होता तो यही डालते, कृष्ण कन्हैया की रंग रेलियां, कृष्ण कन्हैया की अय्याशी, इस तरीके से हेडिंग बना के डालते। आपको क्या जरूरत है, आप इस्लामी बातें डालिए, उसकी हेडिंग अच्छी बनाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम मर्तबा, भाई मौलाना जर्जी संसारी हैं, आप डालिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, भाई मौलाना मोहम्मद जर्जीस, आप ये डालिए। क्या जरूरत हिंदू धर्म में, ये क्या जरूरत है ये सब डालने की। मोदी को डाल दिया, मुझे डाल दिया, अरे क्यों है ऐसे दो टकों के लोगों के सामने हमारे तस्वीर देते हैं है? ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, जलसे आज भी हो रहे हैं कल भी होंगे, इनकी औकात नहीं है। राहत इंदौरी ने कहा था किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी, ये आज हैं जो आज साहेबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और 100 साल के बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन देखिएगा जिस तरीके से हिटलर को लिखा गया जालिम, हज्जाज इब्ने यूसुफ को लिखा गया जालिम, 100 साल के बाद कोई मुअर्रिख इस देश के चौकीदार को भी जालिम लिखेगा, हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसा लिखेगा, हिटलर लिखेगा। लेकिन अफसोस ये है कि ये पढ़ने वाले उस वक्त हम नहीं होंगे, हमारी औलादें पढ़ेंगी, कहो इंशाल्लाह। हुकूमत और सल्तनत, अब देखिएगा, अब इसको भी काट के छांटेंगे, मौलाना ने मोदी को कहा है हिटलर, अब बीजेपी वाले इधर केस कर देंगे। तो इसलिए हमने मंत्रों को पढ़ना छोड़ दिया है, अपने आप को भी बचाना ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों आज स्टेज पर बैठते ही मन में आ गया पढ़ना लगा, मैं ये मौजू ही नहीं सोचा था, मैं सोच के कुछ और आया था, लेकिन अब निकल गया ये। तो मेरे भाइयों, आप मुझे भी बचाइए, आपका भी चैनल चलेगा, और लोगों को परेशान मत कीजिए, नीचे लगाइए ताकि देखने वालों को दिक्कत ना हो। आप हमें कोऑपरेट करेंगे, पब्लिक आपको भी कोऑपरेट करेगी। आप हमें आप जब नज़रअंदाज करेंगे तो हमें भी गुस्सा आएगा, फिर हम लगने नहीं देंगे, और जाहिर हम खड़े हो जाएं, जब तक ये नहीं हटेगा हम नहीं बोलेंगे। कमेटी वालों को हटाना पड़ेगा, पब्लिक की गाली कौन सुनेगा। तो हमें भी ऐसा करने पर आप मजबूर मत कीजिए, उम्मीद है इंशाल्लाह इसका ख्याल रखा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों सुनिए, दस सोने के सिक्के 10 हार। हार से मुराद क्या है समझ लिया, सहाबा अशरे मुबशरा त्रीयुडी शतान्य वर्तान 300 घोड़े। कौन जानता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 300 घोड़े नहीं थे, हकीकत में नहीं थे, लेकिन घोड़ों से मुराद घोड़े नहीं हैं, घोड़ों से मुराद घुड़सवार, ऐसे जवान, ऐसे बहादुर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर दें, ये मुराद हैं। और याद करो जब 1000 का लश्कर काफिरों का सामने खड़ा है और इधर 313 जंगे बद्र में लड़ने वाले वो बेचारे सहाबा, हाय हाय हाय, उनके पास तीर है, तलवार है, ढाल है, घोड़े हैं, नेजे हैं, और लड़ने वाले सब जवान। मोहम्मद के सिपाहियों पे नजर डालो, बूढ़ा भी है, जवान भी है, कुछ छोटे भी हैं, जब सबको गिना गया तो 313। उधर सब कुछ है, इधर एक एक पूरे जंगे बदर में सहाबा की जिंदगी पर नजर डालें तो 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े, एक के पास एक भी नहीं, एक के पास दो, 4-5 लोगों के पास भी एक नहीं, सिर्फ 2 घोड़े। किसी सहाबी के पास तीर है,
लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, तलवार है किसी के पास, तो दुश्मन की तलवार से बचने के लिए ढाल नहीं। किसी के पास घोड़ा है तो घोड़े को चलाने के लिए लगाम नहीं, उस पे चढ़ने के लिए जीन नहीं। ऐसी बेबसी, ऐसी मायूसी, ऐसी परेशान कुन हालत, लेकिन नबी ने कहा कि लड़ना है तो 313 सहाबा उन हजार का मुकाबला करने के लिए चले गए। ये 313 से मुराद, ये 300 अरबी घोड़ों से मुराद वो 300। आप लोग सब बैठे रहिएगा, उठिएगा नहीं, आप जल्दी से चलवाइए। तो मैं कह रहा हूँ बैठिए, तो ये उठ के जा रहा है, देखिए उसको लगता है सिगरेट पीना है क्या। उठेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा बैठिए, अभी एक दो मंत्र और पढ़ेंगे हम। हाँ हो रहा, लाइट जल रही, हमें आप दिखाई दे रहे हैं, आप बस सुनते रहिए। तो मेरे भाइयों, क्या था उनके पास? ईमान। हौसलों से लड़ाइयां होती हैं और जंगें होती हैं। तो अल्लाह मोहम्मद को क्या देगा? 300 अरबी घोड़े, यानी 313 जंग बद्र में लड़ने वाले सहाबा। हा हा हा, आखिरी चीज इस मंत्र की, सहस्त्रा दश गौनामा 10,000 गायें देगा। गाय से मुराद ये गाय नहीं, गाय का मतलब, गाय बहुत सीधा जानवर होता है, हकीकत में सीधा होता है। गाय के ऊपर लोग स्कूलों में बच्चों से ऐसे भी लिखवाते हैं, निबंध लिखवाते हैं, और जब कोई शरीफ इंसान की मिसाल देना होती है तो वो बहुत शरीफ है बेचारा, बिल्कुल सीधा है, जैसे अल्लाह मियाँ की गाय है। लोग मिसाल देते हैं, अरे वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है। गाय, गाय का मतलब बहुत सीधा, सीधा। अल्लाह मोहम्मद को, मामा को 10,000 गायें देगा, मतलब इतने सीधे लोग देगा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने आज्ञाकारी होंगे कि नबी अगर एक हुक्म दे देंगे तो वो मान लेंगे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्का फतह किया तो आपको मालूम होगा, जब मक्के में दाखिल हुए तो आपके साथ 10,000 सहाबाए किराम की एक तादाद थी। 10,000 सहाबाए किराम मक्के के अंदर दाखिल होते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होने के बाद, मक्के को अपने कंट्रोल में लेने के बाद, मक्के पर अपना नियंत्रण जमाने के बाद, मक्के पर कब्जा करने के बाद, मक्के को अपने हाथ में लेने के बाद, आप सबसे पहले खाने काबा में घुसते हैं। खाने काबा में घुसते ही सबसे पहले वहां रखी हुई 360 मूर्तियों को हटाते हैं। अर रहीकुल मख्तूम पढ़िए, शेख सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। आपने हजरत अली का कांधा चॉइस किया, हजरत अली ने अल्लाह के नबी को अपने कांधे के ऊपर सवार कर लिया। नबी अकरम के हाथ में छड़ी थी, अल्लाह के नबी खाने काबा में घुस जाते हैं और जहां 360 बुत रखे हुए थे वहां से एक एक बुत को हटाते जाते, एक एक बुत को छड़ी से मारते जाते, वो बुत जमीन पर गिरता जाता, टूटता जाता, एक एक बुत को गिराते जाते और ये कहते जाते, जा अल हक व ज़हक अल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। मेरे प्यारे भाइयों, ये था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला काम। जब आपने खाने काबा से उन बुतों को साफ कर दिया है और खाने काबा को पाक कर दिया, रब की तौहीद कायम हो गई, तो वहां आपने पहले 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद जब आप सहाबा इकराम के साथ खाने काबा से बाहर निकलते हैं,
काफिर डरे हुए। हजरत साद की जबान से ये जुमला निकल गया, आए काफिरो आज तैयार हो जाओ तुम्हें मारा जाएगा, आए काफिरो तैयार हो जाओ मरने और कटने के लिए, तुमने हमें मारा, तुमने हमें मक्के से निकाला, हमारी जमीन और जायदाद से हमें बेदखल किया, हमारे बच्चों को तुमने कत्ल किया, तुमने बहुत जुल्म किए, आज इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ, जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा, हमारे बड़ों को मारा, आज हम उनको भी कत्ल करेंगे, तैयार हो जाओ कत्ल होने के लिए। हजरत साद की जबान से जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, मलहमा लहम से बना है, आज का दिन तो गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो बोटियां बोटियां कर देने का दिन है, आज का दिन तो मारने और काटने का दिन है, आए काफिरो आज हम तुम्हें काटेंगे। अल्लाह के नबी दूसरी तरफ बैठे हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं आए काफिरो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, साद गलत बोल रहे हैं, आज का दिन कोई टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन नहीं है, आज का दिन किसी को कत्ल कर देने का दिन नहीं है, आज हम किसी को नहीं मारेंगे, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करम का दिन है, आज का दिन तो अफू दर गुजरी का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ करने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को गले लगाने का दिन है, नहीं नहीं तुम बेफिक्र रहो, तुम इसी मक्के में रहोगे, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, हाँ लेकिन अपने जुर्मों की माफ़ी मांग लो, मुझे पता चलना चाहिए कि किसने क्या जुल्म किया था, क्या जुर्म किया था, आओ आओ मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। एक आया, मैंने ये जुर्म किया, आपने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। दूसरा, मैंने फला को कत्ल किया, जाओ मैंने तुम्हें भी माफ किया। एक और शख्स आता है, आपने कहा तुमने क्या किया, कहने लगा मोहम्मद अगर ना सुने तो बेहतर होगा, नहीं नहीं मुझे बताओ आज मैं सुनना चाहता हूँ। कहा हाय अल्लाह के नबी, आपकी बेटी ज़ैनब ऊंटनी पर सवार थी, उनके पेट में हमल था, आप मदीने में थे और आपके दामाद अली आपकी बेटी को मदीने की तरफ लेकर जा रहे थे, बेटी ज़ैनब के पेट में बच्चा था, मैंने तीर ऊंटनी को मारकर जख्मी करना चाहा, लेकिन गलती से वो तीर ज़ैनब के पेट में लग गया था, ज़ैनब का पेट फट गया था, उसके पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था, और इसी हाल में अली अपनी साली को आपकी बेटी ज़ैनब को मदीने लाए, पेट का बच्चा ज़ाय हो चुका था। जब ज़ैनब को होश आया और उसको पता चला कि मेरे पेट का बच्चा न रहा, तो आपकी बेटी ज़ैनब इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी, उनका इंतकाल हो गया। आए अल्लाह के नबी, मैं आपकी बेटी ज़ैनब का कातिल हूँ। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए, फरमाया हिबार मेरी बेटी की याद दिला दी आज तूने, मैंने ही अपने इन हाथों में अपनी बेटी को दम तोड़ते हुए देखा है, मैंने मैंने इन हाथों में अपनी बेटी को लिया और उसकी आखिरी सांसें इसी हाल में निकली कि उसको सदमा था कि मेरे पेट का बच्चा जाये हो गया, लेकिन आई हिबार मैं वादा कर चुका हूं कि किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ओ मेरी बेटी के कातिल, ओ मेरी बेटी ज़ैनब के कातिल, जा आई हिबार, जा जा हिबार, मैंने तुझको भी माफ कर दिया, आई हिबार मैंने तेरा खून भी बख्श दिया, आई हिबार जा मेरी आंखों के सामने से हट जा, मैंने तुझे भी छोड़ दिया। उसी महफिल में माफी मांगने वाली एक औरत आती है, नाम है उसका हिंदा, कहती है अल्लाह के नबी आप तो मुझे जानते ही हैं, आपने कहा तुम हिंदा हो, हाँ आए हिंदा तेरा जुर्म तो बहुत बड़ा है, मेरे चचा हमजा का तूने पेट फाड़ा, मेरे चचा हमजा के कत्ल के बाद तूने उसकी नाक काटी, तूने उसका कान काटा, तूने मेरे चचा हमजा की जबान काटी, और इन तीनों में धागा डालकर तूने उसका हार बनाकर अपने गले में पहना, मेरी चचा की लाश का तूने मुसला किया है, तूने मेरे चचा हमजा की जबान काटी, नाक काटी, कान काटा और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना, इस पर भी तेरा कलेजा ठंडा ना हुआ तो तूने मेरे चचा का पेट फाड़ा, पेट से कलेजा निकाला, उस कलेजे को काटा और अपने दांतों से नोचा, और उस कलेजे को तूने दांतों से चबाया,
जब तेरे दिल ने उसको हलक के अंदर पेट के अंदर ले जाना गवारा न किया, तो अपने दांतों से कच्चा चबा कर तूने जमीन के ऊपर थूक दिया। अय हिंदा, तूने मेरी चचा के मेरे चचा के साथ इतना भयानक और खतरनाक सलूक किया, लेकिन मैं आज तुझसे भी बदला न लूंगा। अय हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। अय हिंदा लेकिन एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है। जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाएगी। जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे अपने चचा का ये मुसला किया हुआ, ये बिगड़ा हुआ और उनकी लाश के साथ ये सलूक जो तूने किया वो मेरे सामने आ जाएगा। आए हिंदा, आइंदा मेरे नजरों के सामने मत आना। आए हिंदा, जब तू मेरी आंखों के सामने आएगी तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाएगी। ये कहकर आपने अपने आपने हिंदा को भी माफ कर दिया। ये अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आती है। मेरे प्यारे साथियों, आपने एक एक करके सबको माफ कर दिया। जब अल्लाह के नबी ये कह रहे थे कि आज मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, तो ये 10,000 सहाबा इतने सीधे थे कि खामोश होकर कहने लगे, आपका फैसला सर आंखों पर, जो आपने फैसला कर दिया वो मुझे तस्लीम है, जो आपने फैसला कर दिया वो मुझे कबूल है। मेरे अपने माँ बाप का, मैं अपने बेटों का, अपनी औलाद का मैं भी बदला न लूंगा। मेरे भाइयों, 10,000 गाय से मुराद ऐसे 10,000 सहाबा जो नबी अकरम पर अपनी जान निछावर करेंगे और उनके हुक्म के आगे अपने सरे तस्लीम खम कर लेंगे। ये 10,000 गाय से मुराद ये है। तो 100 सोने के सिक्कों से मुराद अस्हाबे सुफा, 10 हार से मुराद अशरे मुबशरा, 300 घोड़ों से मुराद 313 जंगे बदर में लड़ने वाले सहाबा, 10,000 गायों से मुराद मक्के में 10,000 सहाबा का वो लश्कर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मक्के में दाखिल हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम कर लिया। ये पूरा का पूरा मंत्र सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फिट उतरता है, पूरा उतरता है। इसके अलावा इस मंत्र के मुताबिक हमें कोई नहीं दिखाई देता। जहां तक नामों की बात है, पहला नाम मोहम्मद, तो लफ्ज़ मोहम्मद भी ऐसे ही वेदों में आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि ततो दयते विवेका, मोहम्मद भी आ गया। चलिए नराशन से अगर आपको पसंद नहीं, नहीं नहीं नाम कहाँ है, तो नाम भी आ रहा मोहम्मद। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद, मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम हि ततो दयते विवेका। मोहम्मद आएंगे इस धरती पर, मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद अंधिकारम नाशम, धरती पर अंधेरा होगा वो उस अंधेरे को नाश कर देंगे, धरती पर अंधेरा होगा उस अंधेरे को मिटाएंगे। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिटेगा। आपको नहीं मालूम मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था, उसकी एक झलक देखना चाहते हो तो मैं दिखाऊं आपको, इतना अंधेरा था मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कि लोग शराब में इतने मस्त थे कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो मां अपने बच्चे को दूध का कतरा मुंह में नहीं डालती थी, पानी का कतरा मुंह में नहीं डालती थी। बच्चा माँ के पेट से बाहर आता था तो शराब के कतरे और शराब की बूंदें उस बच्चे के मुंह में डाली जाती थी और इस पर फख्र किया जाता था कि मैंने अपने बच्चे को पैदा होने के बाद शराब के कतरे पिलाए, उनकी घुट्टी में शराब रची और बसी हुई थी। जुआ इतना ज्यादा खेला जाता था कि जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे। पढ़िए ज़ादुल माद अल्लामा इब्ने क़य्यिम की, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। जिनाकारी उरूज पर थी, औरत की कोई हैसियत नहीं थी, बच्ची के पैदा होने के बाद जालिम बाप
चार साल तक बच्ची को अपने घर में पालता था, चार साल तक पोसता था, बड़ा करता था, और चार साल की हो जाने के बाद बीवी से कहता था कि बच्ची अब चार साल की हो गई है, अब इसको हम दफन करेंगे। माँ को हुक्म देता था, बीवी को नहलाओ धुलाओ। माँ रोते हुए अपनी बच्ची को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। जालिम और शकीउल कल्ब बाप बेटी की उंगली पकड़ के कहता चलो मेले में। नए कपड़े पहनाए जाते थे और जंगल की तरफ बाप लेके चलता था, जहां पहले से गढ़ा खोदा हुआ तैयार होता था, और उस गड्ढे के पास ले जाकर कहता था कि बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें नजर आएंगी। बच्ची जंगल में अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती, पीछे से शकीउल कल्ब कसाई बाप बच्ची को धक्का दे देता और वो कब्र के अंदर गड्ढे में गिर जाती। फिर ये मिट्टी डालता, जहाँ तक हो सकता वो नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन शकीउल कल्ब बाप का दिल नहीं पसीजता। वो चीखती चिल्लाती लेकिन इसका दिल मौन नहीं होता, पूरा का पूरा मिट्टी से पाट देता और उस वक्त तक कब्र के पास गड्ढे के पास खड़ा रहता जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस नहीं निकल जाती और वो रो रो कर मर नहीं जाती, तब तक वो नहीं आता। और मर जाने के बाद फिर अपनी कौम में आता, शराब की बोतल उठाकर हंसते हुए फख्र के साथ कहता कि आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। इससे ज़्यादा शकीउल कल्ब क्या होगी, इससे ज़्यादा अंधकार क्या होगा, इससे ज़्यादा अंधेरा क्या होगा। आज भी बच्चे मारे जाते हैं माँ के पेट में। अल्ट्रासाउंड पर चेक कराया गया, बताया लड़की है। साहब तीन लड़कियाँ पहले से हैं, चौथी भी लड़की? नहीं साहब, एबॉर्शन करा दिया। लिखा है हॉस्पिटल में यहाँ भ्रूण की लिंग की जांच नहीं की जाती है, ये अपराध है, लिखा होता है हॉस्पिटल्स में, लेकिन पसे पर्दा सारे काम हो रहे हैं। क्या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के साथ होने वाली गलतियों पर जब कॉलेज की लड़कियों का हमल ठहर जाता है तो क्या उनका एबॉर्शन नहीं हो रहा है? क्या वो बच्चे नहीं गिराए जा रहे हैं? क्या हमल साकित नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हो रहा पसे पर्दा, सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, पीठ के पीछे, सामने न सही लेकिन सारे हॉस्पिटल में हो रहा है। बच्चे गिराए जा रहे हैं, नाजायज बच्चे तो छोड़ो, जायज बच्चे भी गिराए जा रहे हैं। तीन लड़कियां हैं, चौथी भी पेट में बच्ची है। नहीं साहब, डॉक्टर साहब गिरा दो। याद रखना, जितने लोग बैठे हो सुन लो, अगर किसी ने ये जुर्म किया है और अपनी बीवी से करवाया है या अपने बच्चे का हमल साकित करवाया है, अभी जाओ तौबा करो, गिड़गिड़ाओ रब के सामने, उसको रहम आ जाए तो अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है, गफूर रहीम है वो, वरना जुर्म बहुत बड़ा है। जिसने अपनी बीवी के पेट से बच्चा गिरवाया, चाहे वो हमल 10 दिन का ही क्यों ना हो, 15 दिन का क्यों ना हो, हमल ठहरने के बाद गर्भ के अंदर बच्चा ठहर जाने के बाद उसको गिरवाना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने दुनिया में अपने बच्चे को अपनी बीवी के पेट से अबॉर्शन करवा दिया, गिरवा दिया, इस्कात करवाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को हाथ देगा, पैर देगा, ज़बान देगा, आंखें देगा, सर देगा, ये बच्चा एक बच्चे की शक्ल अख्तियार करेगा। बुखारी की रिवायत है, जा यौमल कियामा व मुअल्लकुम बैना सदैहा, कयामत के दिन वो बच्चा इस हाल में आएगा कि वो अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपने माँ के दोनों सीनों से लटका हुआ होगा, अपने माँ का दूध चूस रहा होगा, अपने माँ के पिस्तान से लटका होगा। अल्लाह कहेगा आए बच्चे तुझे भी कुछ कहना है, अल्लाह उस बच्चे को जबान देगा, यकूल, वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, फिर ऊपर देखेगा, कहेगा यकूल या रब्बी हाजी उम्मी
कतलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके पिस्तान से मैं लटका हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका मैं दूध पी रहा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके सीने से आज मैं लगा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे जीने नहीं दिया, मुझे दुनिया में आने नहीं दिया, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे भुला दिया था, मेरा कत्ल कर दिया था, मेरा मर्डर कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज आखिरत में तू इसका मत बन, आज आखिरत में तू इसका मत हो, अय अल्लाह तू मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में फेंक दे, मेरी माँ से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज तू इसका ना हो। कयामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को तो नहीं लेकिन उसकी माँ को अपने बच्चे इस बच्चे के कहने पर जहन्नम में डाल देगा। जिस माँ ने दुनिया में एबॉर्शन करा के अपने बच्चे को गिराया है, तुम अपने हलाल बच्चे गिरा देती हो, अपने शौहर के बच्चे गिरा देती हो सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। इस्लाम ने तो हराम मौलाद को भी गिराने की इजाजत नहीं दी है। उस वाक़े को नहीं पढ़ा जो अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है और कहती है इन्नी कद असबतु हत्त या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मैं हद को पहुंच चुकी हूँ और मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है इसको ले जाओ संसार कर दो। कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। आपने कहा फिर तुझे अभी संसार नहीं किया जाएगा, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। बच्चे को लेकर आई का अब तो पैदा हो चुका है। आपने कहा इस बच्चे के होंठों में तेरा दूध लगा हुआ है, मतलब इस बच्चे को तेरे दूध की जरूरत है, जब तक वो तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, जब वो तेरा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब तुझे कत्ल किया जाएगा। इस्लाम तो हराम औलाद गिराने की इजाजत नहीं देता, तुम तो अपने हलाल औलाद गिरा देती हो। कयामत के दिन ये औरतें बहुत सख्त अजाब में मुब्तला होंगी जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को गिरवाया है। हमल ठहरने के बाद चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो, हमल ठहर गया, रिपोर्ट में आ गया कि हमल ठहर गया, अब आप बच्चे को नहीं करा सकते हैं, एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। वो अलग बात है कि कोई मुसीबत हो जाए और माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो ऐसी सूरत में तो फिर माँ की जान बचाई जाएगी, वो मजबूरी की एक अलग कंडीशन है। लेकिन बगैर किसी मजबूरी के सिर्फ इसलिए कि तीन चार बेटियाँ पहले से, ये चौथी भी मेरी बेटी, हम जहेज कहाँ से लाएंगे, नहीं गिरा दो अब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसलिए गिरा देती हो तो अजाब की मुस्तहिक होगी, अजाब की मुस्तहिक। तो मेरे भाइयों हमें बचना चाहिए। यह अंधेरा था अरब के अंदर कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। शादी जानते हो कैसे होती थी? शादियों का रवाज बहुत बुरा था। एक लड़का किसी लड़की से शादी करके लाता था। पढ़िए बुखारी किताबुन निकाह, जमाने जाहिलियत की निकाह पर नजर डालिए। एक लड़का किसी लड़की को निकाह करके लाता था लेकिन उसके साथ रात सोता नहीं था, जिसको हमारी जबान में बोला जाता है शबे जुफाफ, नहीं मनाता था, और जिसको हमारी आम भाषा में बोला जाता है सुहाग रात, वो लड़का अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता था। शादी करके लाया, विदा करके लाया, रुखसती करके लाया, घर में लाया लेकिन नहीं मिलता था, बल्कि वो लड़का, वो पति, वो दूल्हा अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर देता था और कहता था कि लो जाओ तुम इसके साथ और इसकी शर्मगाह हासिल करो, यानी इसके साथ जिना करो। और जब उसके दोस्त से ये बीवी हामला हो जाती थी, ये लड़की हामला हो जाती थी, तब पता चलता था हामला हो गई, तब ये असली पति जाता था और अपने दोस्त से अपनी बीवी को लेकर आता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक पैदा हो। बताइए उनके यहाँ नेक बच्चा पैदा होने का ये तसव्वुर था कि जब तक शौहर शादी के बाद अपनी बीवी को किसी दोस्त के बिस्तर पे ना भेज दे और उससे हमल ना ठहर जाए, तब तक इस बीवी को अपनी बीवी की तरह नहीं अपनाया जा सकता है, उससे मिला नहीं जा सकता है। और ये उस समाज में इसलिए ऐसा किया जाता हो कि इससे बच्चा शरीफ पैदा हो, तो वहाँ की शराफत आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे मुल्क में एक धर्म ऐसा भी है जिसके बड़े बड़े गुरु नंगे रहते हैं, मार्केट में नंगे घूमते हैं और औरतें उनके पीछे पीछे घूमती हैं, और एक जगह जब वो बाबा बैठ जाता है तो उसके ऊपर सर पे दूध डालती हैं। आज भी ये प्रचलन है। और वो दूध जब बहता हुआ उस बाबा के
मशीन के पास आता है वो गुरु घंटाल जो बना बैठा है नंगा, जब बाबा की शर्मगाह के पास आता है वो दूध ऊपर से, तो उसको कटोरा लगा के ऐसे भर लेती है और वो दूध गर्भवती औरतों को पिलाया जाता है, हामिला औरतों को पिलाया जाता है। क्यों? ताकि बच्चा नेक पैदा हो। अंदाजा लगाओ, मशीन के पास से आया हुआ दूध और कटोरे में भरा गया हो वो दूध जब गर्भवती औरत पिएगी तो बच्चा कितना शरीफ पैदा होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी शराफत का हाल क्या है, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो ऐसा होता था। निकाह का दूसरा तरीका अरब के अंदर ये था, निकाह का दूसरा तरीका अरब के अंदर ये था कि एक ही औरत के पास तीन से ऊपर और दस तक लोग, दस से ज्यादा नहीं, दस तक लोग आते थे। तीन भी हो सकते हैं, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, आठ भी, नौ भी, दस भी, दस से ज्यादा नहीं, उस औरत के पास पूरे साल जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता तो वो उन दसों को, जितने लोग उसके पास आए वो सबों को बुलाती और कहती कि तुम्हारा मामला तो मालूम है, तुम भी हमारे पास आए, तुम भी हमारे पास आए, तुमने भी हमसे मुलाकात की, तुमने भी हम बिस्तरी की, तुमने भी हमारे जिस्म से खिलवाड़ किया, सब तुम्हें तो मालूम है ना। सब कहते हाँ। मजाल नहीं थी कि ना आए कोई, आना पड़ता था, ये समाज का नियम था, आना पड़ता। जितने लोगों ने उस औरत के साथ जिमा किया, हम बिस्तरी की, जिना के, सब आते। वो औरत कहती अब ये बच्चा पैदा हुआ है, सब खामोश बैठे रहते। उस औरत को इख्तियार होता, वो बच्चा उठाती और उन लोगों में से जितने लोगों ने उसके साथ जिना किया, अपना बच्चा जिसकी गोद में डाल देती, ये उसकी बीवी मान ली जाती, वो उसका पति मान लिया जाता और उसका बच्चा वही मान लिया जाता जिसकी गोद में डाल दिया, ये उसी का बच्चा है। ये शादी का दूसरा तरीका था अरब के अंदर। बस तीसरा तरीका और सुन लो। तीसरा तरीका ये था कि गिनती की कोई तादाद नहीं थी, औरत अपने घर में हरी झंडियां लगा लिया करती थी। हरी झंडी का मतलब पूरे साल जो उनके पास आना चाहे। ये उस इलाके में तवायफ में शुमार नहीं होती थी, लेकिन काम तवायफ वाला था। पूरे साल आने वाले किसी आदमी को मना नहीं करती थी। 9 महीने 10 महीने के बाद जब इस औरत की कोख से बच्चा पैदा होता तो जितने लोग इससे मिले सबको बुलाती, और मजाल नहीं कि कोई ना आए, सबको आना पड़ता। सबको लाइन से बिठा देती, खाने काबा जो पहले उनके हाथ में था वहां कयाफा शनास को बुलाया जाता, वो आता और उससे कहा जाता कि इस बच्चे की शक्ल देखो, इन लोगों में से किससे सबसे ज्यादा मिल रही है। वो देखता, चेक करता, और जिस उतने लोगों में जिस आदमी से उस बच्चे की शक्ल सबसे ज़्यादा मिल रही होती, करीब होती, ये उसकी गोद में बच्चा डाल देता और इस औरत को उसके साथ भेज देता। ये शादी का तीसरा तरीका था। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरा नाश कर देंगे। अब देखिए इस्लाम जब आता है तो जमाने जाहिलियत के सारे निकाह खत्म कर दिए जाते हैं, और इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दे दी कि अब निकाह के लिए जब बैठ गया दूल्हा, पहली बात तो बारात का तसव्वुर है नहीं, अब आ गई तो बैठ गया तो पहले लड़के का निकाह नहीं होगा, पहले लड़की का होगा। एक वकील दो गवाह लड़की के पास जाएंगे, उससे पहले इजाजत लेंगे, तुम्हारा निकाह फला के साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? वो दस्तखत करेगी रजिस्टर पर, और उसका दस्तखत ही ये मान लिया जाएगा कि उसकी इजाजत है। फिर उसके बाद लड़के का निकाह, ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, जबरदस्ती कोई किसी लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकता है। कुछ जाहिल लोग ऐसे होते हैं, लड़की का निकाह करने गए तो वहाँ कहते हैं हाँ बेटा फलां के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? वो बैठी है बेचारी शर्म की वजह से, और ये ज़बरदस्ती, अरे बोलो बेटा किया, वो शर्मा रही है, अब बार बार कहलवा रहे हैं बोलो किया। अब वो बैठी है बेचारी, अब उसकी सहेलियाँ भी उससे कह रही हैं ए बोल दे हाँ हाँ बोल दे। अरे जाहिलो, जिंदगी भर जाहिली रहोगे, पागल रहो। जब हदीस में है इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, तो क्यों जबरदस्ती उससे कहलवा रहे हो? कुआरी है, बाकिरा है, गैर शादीशुदा है, उसका जबान
से बोलना जरूरी नहीं है। एक बार आप उससे पूछिए कि फला फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम उस लड़के के साथ निकाह तुम्हें कबूल है? बस एक बार उससे पूछिए, वो खामोश हो जाती है, वही उसकी इजाजत हो गई। मत पूछवाओ जबरदस्ती, वो खामोश रहती है तो समझ लो कि वो राजी है। शर्मीली होती हैं लड़कियां, नहीं बोलेंगी जल्दी, इसलिए बुलवाओ नहीं जबरदस्ती, वो खामोश है, समझ लो कि उसने इजाज़त दे दी। रजिस्टर बढ़ाओ और कह दो कि दस्तखत कर दो, पढ़ी लिखी है तो दस्तखत कर दे, नहीं पढ़ी लिखी है तो अंगूठा लगा दे। हो गया निकाह, उसकी इजाज़त हो गई, उसका ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। फिर लड़के के पास आइए और लड़के का निकाह पढ़ाइए। इस्लाम ने ये इजाज़त, ये इज्जत दी है लड़की को। लड़के वाले को पैगाम भेजना पड़ेगा लड़की वाले के पास। आजकल तो लुट्टस हो रही है, लड़कियों के माँ बाप पहले ही हाँ ये लड़का अच्छा है, उनके माँ बाप से बात कर रहे हैं, ठीक है भाई मेरी बेटी आपके लड़के के साथ निकाह। लड़कियां वाले आज जा रहे हैं, जबकि लड़की वालों को हक, ठीक है जा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इजाजत है, जा सकते हैं, लेकिन इस्लाम लड़के वालों को हुक्म देता है कि वो लड़की के इससे रिश्ता मांगे, लड़की के माँ बाप के पास जाएं, उनसे लड़की तलब करें। इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुल्कहु, आए लड़कियों के माँ बाप, लड़कियों वालों, जब तुम्हारे पास किसी लड़के का पैगाम निकाह के लिए आए, तुम्हारी बेटी से शादी के लिए आए, और उस लड़के का अखलाक तुम्हें पसंद हो, उस लड़के की दीनदारी तुम्हें पसंद हो, फज़व्विजू, तो अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो, इनकार मत करो। अगर नमाजी है, रोज़दार है, बाखलाक है, कमाता है, आपकी बेटी को खिलाने पिलाने की ताकत रखता है, बस इतना देख लो, अगर उसकी दीनदारी, उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए तो अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दो। उस दीनदार लड़के का पैगाम ठुकराओ मत, उसको अपने घर से मायूस मत जाने दो, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। अगर दीनदार लड़के के साथ तुमने अपनी बेटी का निकाह नहीं किया, इल्लम तफालू तकुन फितनतुन फिल अर्ज व फसादुन अरीस, अगर नमाजी और दीनदार लड़के की आंखों से आंसू बह गए, उसका पैगाम तुमने ठुकरा दिया और लड़की का अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं किया और उसके रिश्ते को अगर भगा दिया या नहीं किया, तो जमीन में फितना फैल जाएगा। इल्लम तफालू तकुन फितनतुन फिल अर्ज, तो जमीन में फितना देखोगे, फसाद उनारीज और लंबा चौड़ा फसाद। आज देख लो तलाकों की कितनी नौबतें हैं, क्योंकि हमने जेंटलमैन देखा है, हीरो देखा है, जमीन और जायदाद वाला देखा है, दीनदार नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और तलाक के केस 3 करोड़ की तादाद में है। तलाक के केस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में हैं, और इन 3 करोड़ तलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस हैं, सिर्फ मुस्लिम औरतें और मुस्लिम मर्दों के केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं, मुसलमानों की तादाद तो हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है, सब मिलाकर 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में, और 3 करोड़ में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों ने दीनदारी देखना शुरू नहीं किया है, दीनदारी को देखना छोड़ दिया है। चाहे लड़के वाले हों, लड़की में दीनदारी नहीं देख रहे हैं, लड़की वाले लड़कों में दीनदारी नहीं देख रहे हैं, इसलिए तलाकों पर नौबतें आ रही हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है और दर्द सर है। इसको हमारे समाज और सोसाइटी को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद भी आ गया, अंधेरे को नाश करेंगे, और आपने अंधेरे को नाश कर दिया। मुझे बोलते हुए पूरा 2 घंटा हो गया है, मैं आपसे रुख्सत होता हूँ। रुख्सत होने से पहले एक इल्तिजा करता हूँ, मैं 2 मिनट इस स्टेज पर बैठूँगा, 2 मिनट में आप इस इदारे का जो तआवुन मेरे हाथ में करना चाहें आप कर दें। अगर आप चाहते हैं कि जर्जी साहब से मुसाफा कर लें तो आप आइए, जो भी देना